हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एडोबी प्रीमियर प्रो के एक्सपोर्टिंग इश्यू को कैसे सॉल्व करें। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको Adobe प्रीमियर प्रो ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर प्रेफरेंस वाले ऑप्शन में जाकर मीडिया कैसे फाइल पर क्लिक करना है। मीडिया कैसे पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको रिमूव मीडिया कैसे पर क्लिक करना है और डिलीट कर देना है जितना भी मीडिया फाइल्स है, और उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। गाइस, ये स्टेप करने के बाद फिर भी आपका अगर एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है प्रोजेक्ट, तो आप सेकंड स्टेप को फॉलो करें। सेकंड स्टेप को फॉलो करने के लिए आपको सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है जो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद आपको एक नया सीक्वेंस बनाना है कंट्रोल प्लस एन प्रेस करके। सेटिंग में जाकर कुछ कस्टमाइजेशन, वेट हाइट आप अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, और सेव कर कुछ नाम आप डाल सकते हैं इसमें। जैसे मैं न्यू प्रीसेट नाम दे देता हूं। मैं इस सीक्वेंस को आपको डबल क्लिक करना है, न्यू प्रीसेट जो आपने बनाया है उस पर डबल क्लिक करना है, और आपका न्यू सीक्वेंस ओपन हो जाएगा। आपको पहले वाले सीक्वेंस पर आना है जो कि एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, उसे C+A को क्लिक करके पूरे एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, और Ctrl+C क्लिक करना है कॉपी करने के लिए, और यहाँ पर जो न्यू सीक्वेंस आपने बना रखा है उस पर पेस्ट कर देना है Ctrl+V क्लिक करके। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को सेव करें, जो न्यू सीक्वेंस है उसको सेव कर दें। इस प्रोसेस को करने के बाद बिना किसी इशू के साथ आप इस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। गाइस, अगर आप भी कुछ इस तरह का डेस्कटॉप लुक देना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप को, तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि कैसे कुछ कस्टमाइजेशन कर आप अपने डेस्कटॉप को कुछ इस तरह बना सकते हैं। गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाल बटन को जरूर दबाएं, और कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो।